गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। लेसन नंबर जो सेकेंड है आपका बलशाली भीम, इसके मैंने आपको मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न करा दिए थे। आज मैं आपको इसके भाषा क्वेश्चन वाले क्वेश्चन करा रही हूँ। इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, मैंने आपको बेटा इसका PDF भी भेज दिया, आपको वो वर्क भी करना है, लेकिन बोर्ड पर आप समझ ले पहले, ठीक है। रिक्त स्थानों के में के पास के साथ या को भरिए। आपको तीन रिक्त स्थान दे रखे हैं, इसमें से आपको के पास भरना है, के साथ भरना है और या भरना है, ठीक है। ये तीन आपको भरना है। अब आप देखिए, पहला रिक्त स्थान है अपना पांडव अपनी माँ कुंती, फिर खाली स्थान है के ब्राह्मण के घर है, एक ब्राह्मण के घर में रहते थे, एक ब्राह्मण के घर में रहते थे। तो हम क्या भरेंगे बेटा इसमें बताओ, के पास आएगा या के साथ आएगा या फिर यह आएगा, तो कैसे बनेगा बेटा ये सेंटेंस पूरा। पांडव अपनी माँ कुंती के साथ, इसमें हम क्या भरेंगे, के साथ एक ब्राह्मण के घर में रहते थे। कब रह रहे थे बेटा वो, जब वो अज्ञातवास काट रहे थे। क्या काट रहे थे, अज्ञातवास काट रहे थे। उस समय वो एक ब्राह्मण के यहाँ, एक गांव में एक ब्राह्मण के यहाँ वो रुके थे, कुछ दिनों के लिए उन्होंने शरण ली थी और उन्होंने अपना संपूर्ण जो अज्ञातवास काटा था वो राजस्थान के विराटनगर में काटा था, ठीक है। अब देखो अगला है, कुंती तथा भीम ब्राह्मण गए और उसके रोने का कारण पूछा। क्या अब इसका क्या बनेगा बेटा, के पास के साथ या, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, कुंती तथा भीम ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण के पास गए और उसके रोने का कारण पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। तो हमें तीन वर्ड्स दिए हैं, के पास के साथ और या, ये भरना है। तो दो सेंटेंस में हमारे क्या भरा, पहले में के साथ, दूसरे में के पास। पांडव अपनी माँ कुंती के साथ एक ब्राह्मण के घर में रहते थे, ठीक है। कब रह रहे थे वो, जब वो अज्ञातवास काट रहे थे। अगला है, कुंती तथा भीम ब्राह्मण के पास गए और उसके रोने का कारण पूछा, क्योंकि सभी भाई तो गए हुए थे बाहर, केवल कुंती और भीम ही थे घर में जब ब्राह्मण के रोने की आवाज आई, तो दोनों कहाँ गए, ब्राह्मण के पास गए। आप देखो, कुछ देर चुप रहने के बाद भीम ने बकासुर या बकासुर को पटक दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद भीम ने बकासुर को पटक दिया। इधर ये या को भरी, ठीक है। तो कुछ देर चुप रहने के बाद भीम ने बकासुर को पटक दिया। जब भीम को गुस्सा आ रहा ना, क्योंकि वो लेट हो गया था खाना ले जाने में, और बकासुर बहुत ज्यादा गुस्से में था उस समय, और उसने इधर उधर देखा नहीं। जैसे ही भीम गाड़ी लेकर आया, उसने आवाज लगाई, तुरंत उन्होंने बकासुर को, भीम ने बकासुर ने भीम को मारना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी। अब ये भाषा कौशल की फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है। अब बोर्ड देखिए आप सब ध्यान से। अब बेटा आप नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, इसकी भाषा कौशल की नेक्स्ट एक्सरसाइज है, रिक्त स्थानों में सही शब्द लिखिए, ठीक है। एक लाइन दे रखी है आपको, इसमें जैसे था और थे को आपको चुन के भरना है, उसके बाद इसमें भी आपको था और थे ही भरना है, उसके बाद आई और आया इसमें भरना है। पहला वाक्य देखो, गुफा में बकासुर गांव से बाहर एक गुफा में रहता, तो आपके माइंड में तुरंत आया ना वर्ड्स, था आएगा या थे आएगा, रहते थे क्या, रहता था, तो शब्द पूरा क्या बना, पढ़ो बेटा एक बार, आप भी पढ़ो ध्यान से देखो। तो ये आपकी लाइन कंप्लीट हो गई। आप पढ़ो इसे, बकासुर गांव से बाहर एक गुफा में रहता था, बकासुर गांव से बाहर एक गुफा में रहता था, ये वाक्य पूरा हो गया ना बेटा, था और थे में से हमें इसमें भरना था। अगला आप देखो, गुफा में
गुफा में भूख के मारे बकासुर का बुरा हाल हाल बकासुर का बुरा हाल हो गया था। तो क्या लिखेंगे? हो गया लिख रहा है, केवल हो गया, ठीक है। अब आपको इसको पूरा सेंटेंस करने के लिए हम क्या लिखेंगे? था। तो हम क्या लिखेंगे अब इसको, इसके साथ में क्या भरेंगे? था। तो सेंटेंस क्या बना आपका? बकासुर गुफा में भूख के मारे बकासुर का बुरा हाल हो गया था, ठीक है, लाइन पूरी हो गई। अगला देखो, भीम राक्षस की तरह, भीम राक्षस की लाश को घसीटता हुआ गांव ले, इतना लिखा हुआ फिर खाली बॉक्स है। अब इन दोनों में से ढूंढो आई या आया। तो घसीट के क्या करा? लाश को गांव में लाया, गांव में ले आया, गांव में ले आया। तो आपको इसमें क्या करना है? ले आया। इसका मैंने आपको वर्क की फोटो भी भेज दी है, आप बुक में से भी करें और जो समझ नहीं आए इसलिए मैं आपको बोर्ड पे एक्सरसाइज करवा दी हूँ, ठीक है। अब दो एक्सरसाइज हो गई, एक बार और ध्यान से हम देख लेते हैं। पहली एक्सरसाइज मैंने आपको बुक में से कराई है भाषा कौशल की, रिक्तस्थानों के पास के साथ या को भरिए। तो पहला वाक्य था पांडव अपनी माँ कुंती, तो वाक्य में क्या भरा? के साथ एक ब्राह्मण के घर में रहते थे, ठीक है, पहले में आएगा के साथ। दूसरा है भीम तथा कुंती तथा भीम ब्राह्मण के पास गए और उसके रोने का कारण पूछा। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे है कुछ देर चुप रहने के बाद भीम ने बकासुर को पटक दिया। पहले तो बकासुर ने गुस्सा किया, भीम को लात घूस उसे मारने लगा, लेकिन भीम भी बहुत ताकतवर थे, पूरे 100 हाथियों का उनमें क्या थी? ताकत थी। तो उन्होंने फिर बकासुर पे जैसे ही वार किया बकासुर तुरंत ही मर गया। अब आप देखो अगला हिस्सा खाया एक्सरसाइज है, रिक्तस्थानों में सही शब्द चुनिए। तो था थे पहले में बनना है, दूसरे में भी था थे चुनना है, फिर आई आया। तो बकासुर गांव से बाहर एक गुफा में रहता था, गुफा में भूख के मारे बकासुर का बुरा हाल हो गया था, भीम राक्षस की राक्षस की लाश को घसीटता हुआ गांव में ले आया। तो ये दो एक्सरसाइज हो गई, ये आपको अपनी अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में आपको अपनी कॉपी में करनी है। बोर्ड ध्यान से देखिए एक बार, बिल्कुल क्लियर आपको नजर आ रहा है ना बेटा बोर्ड? अब आपकी दो एक्सरसाइज है वही आपका होमवर्क है। इसके अलावा जो थर्ड एक्सरसाइज है वाक्य में प्रयोग कीजिए, ये मैं आपको बता देती हूँ। ब्राह्मण, ब्राह्मण का वाक्य में प्रयोग करा, पांडव अपनी माँ कुंती के साथ ब्राह्मण के घर में रहते थे, वाक्य बन गया, पूरी लाइन बन गई। आवाज, भीम ने राक्षस को आवाज लगाई। आशीर्वाद, माता कुंती ने भीम को आशीर्वाद दिया। तो ये वाक्य प्रयोग हो गए, इसकी मैंने आपको फोटो ही भेज दी है। तीन एक्सरसाइज होगी, चैप्टर समथिंग कंप्लीट हो गया है, कल हम नया लेसन पढ़ेंगे उपयोगी रबड़, ठीक है। अब आप ये वर्क अच्छी हैंडराइटिंग में करें, रेगुलर अपना वर्क करें, वीडियो रोजाना देखें, पेंडिंग वर्क बिल्कुल ना रखें, वीडियो वर्क आपको रेगुलर करना है। और जिन बच्चों ने बुक्स नहीं लिया अपनी बुक्स ले लें, जिससे आपको हेल्प हो सके वर्क करने में। थैंक यू बेटा।